सपोज आपको बिलीव की स्पेलिंग लिखनी है, बिलीव, तो आप कैसे लिखेंगे? बी ई एल आई ई वी ई, या फिर बी ई एल ई आई वी ई, क्योंकि हमें अंदाजा रहता है कि बिलीव की स्पेलिंग लगभग ऐसी होती है, बट यहाँ आई ई आएगा कि ई आई आएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मुझे तो होता था जब तक कि मुझे रूल नहीं पता था कि ई आई कहाँ आता है, आई ई कहाँ आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको लिखना है कंसीव, ठीक है, अगर आपको लिखना है कंसीव, तो आप क्या लिखोगे? सी ओ एन सी आई ई वी ई, या फिर आप लिखोगे सी ओ एन सी ई आई वी ई, है ना, बड़ा कन्फ्यूजन। तो इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन मैं आपका हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। एक सिर्फ रूल आपको जानना है कि ई आई कहाँ लगता है, आई ई कहाँ लगता है। या फिर कई बार एक और कन्फ्यूजन होता है कि सिटी या एक सी, सपोज एक हमको इसका देखने हैं स्पेलिंग्स, तो सी का जो प्रोनंसिएशन होता है कई बार, जैसे हमको ये लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे सिटी, पर ये आप क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे कट। तो यहां भी सी है, यहां भी सी है, पर यहां पर आप सी को स के जैसे पढ़ते हो, पर यहां पर सी को आप क के जैसे पढ़ते हो। तो ऐसे स्पेलिंग के ऐसे बड़े कंफ्यूजिंग रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रखते हैं। इनफैक्ट स्पेलिंग्स आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि स्पेलिंग का कोई पर्टिकुलर नियम है ही नहीं। कुछ चीजें आपको बताई जा सकती हैं जिनको सीख कर आप इंग्लिश के कुछ डाउट, इंग्लिश स्पेलिंग्स के कुछ डाउट क्लियर कर सकते हो, बट एक्सेप्शंस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने जो भी हिंदी या जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड का एक ही प्रोनंसिएशन होता है। जैसे हमने क लिखा तो इसको हम क ही बोलते हैं, किसी भी फॉर्म में चाहे से पढ़ दिया जाए, पर यहाँ पर आप देखना सी, इसके प्रोनंसिएशन अलग रहेंगे। जी की स्पेलिंग में कभी ग वाली स्पेलिंग्स में जी यूज होगा, कभी ज वाली स्पेलिंग्स में जी यूज होगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि इस वीडियो में, सारे तो नहीं, कुछ हद तक की कन्फ्यूजन्स हम क्लियर करेंगे। सो इफ यू आर रेडी टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, अगर आप आज अपनी स्पेलिंग्स को कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग रूल सीखेंगे जो कि आपकी स्पेलिंग्स को काफी हद तक इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि ई आई कहाँ आता है और आई ई कहाँ आता है। तो देखिए, किसी भी स्पेलिंग में ज्यादातर सी के बाद ई आई आता है, सी ई आई आता है। जैसे कंसीव वाली स्पेलिंग थी ना, वहां पर हम ई आई लिखते, रिसीव अगर हमें लिखना है तो सी के बाद ई आई आया हुआ है। कंसीव, सी के बाद ई आई आया हुआ है। डिसीव, ई आई। परसीव, ई आई। सीलिंग, ई आई, है ना। कंसीट, ई आई। कंसीटेड, ई आई। तो जब भी सी आएगा उसके बाद ज्यादातर, मैंने आपको बोला कोई भी स्पेलिंग का रूल परफेक्ट नहीं है, आपको एक्सेप्शंस मिलते ही रहेंगे, तो ज्यादातर सी के बाद ई आई आता है। बट सी के अलावा अगर कोई दूसरा लेटर है ना, तो उनके बाद आई आता है। जैसे बिलीव हमें लिखना था, तो बिलीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या थी? एल आई ई वी ई। यहां पे सी होता तो हम ई आई लिखते हैं, बट आई ई। रिलीव, आई ई। अचीव, आई ई। यहां पर क्योंकि सी नहीं है तो यहां पर आप हर जगह देखना फील्ड, फ्रेंड, नीज, यहां पर आई आया हुआ है। तो पहला रूल क्लियर है, पर अगेन एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहां पर देखो कुछ बहुत ब्यूटीफुल स्पेलिंग्स हैं, यानी मोस्ट पॉपुलर स्पेलिंग्स हैं जिनमें ये रूल फॉलो ही नहीं होता। तो जैसे है प्रोटीन, तो यहां पर देखो टी के बाद ई आई आया हुआ है, यहां पर सी तो है नहीं, पर तो भी हमने यहां पर ई आई लिखा। तो हर स्पेलिंग रूल में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, एज नो स्पेलिंग रूल इज परफेक्ट। तो यहां पर देख लिया आप एक्सेप्शंस, कुछ आप एक्सेप्शंस याद कर लीजिए। कोई भी स्पेलिंग रूल अगर आपको सीखना है ना, तो 90% वो अप्लाई होगा, बट जो 10% एक्सेप्शन हैं उनको आप याद कर लीजिए या बार बार लिखकर प्रैक्टिस करिए, यानी आपको दिमाग में बैठा देने हैं, क्योंकि उन पर अगर कोई रूल लागू ही नहीं होता तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। वियर्ड, सीज, लेजर, वेन, है ना, फोरफिट, तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं। तो अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम वगैरह में रूल्स काम आते हैं और यहीं पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो पहला रूल क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी
किसी स्पेलिंग में फुल ऐड होता है ना, तो वहां पर उसका एक एल रिमूव हो जाता है. रिमूवल ऑफ सिंगल एल फ्रॉम फुल. जैसे अगर किसी शब्द के अंत में फुल आ रहा है, कोई भी शब्द कोई भी वर्ड है, उसमें अगर फुल सफिक्स ऐड किया जाता है किसी भी वर्ड में, अगर जैसे ट्रुथ, अगर मैं इसमें फुल ऐड करूंगी तो क्या होगा, फुल का एक एल हटा दिया जाएगा, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, ट्रुथफुल, डबल एल नहीं आएगा. बहुत सिंपल रूल है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको. जैसे यूजफुल लिखना होता है ना, तो कई लोग क्या लिखते हैं, यूजफुल लिखते हैं डबल एल, विच इज रॉन्ग. क्योंकि सिंपल सा किसी भी वर्ड में अगर हम फुल ऐड करते हैं तो उसका एक एल हट जाता है, यही रूल है. नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल क्या है, किस स्पेलिंग में डबल एल सिंगल एल हो जाता है. आपने क्या देखा कि फुल सफिक्स ऐड करने पर फुल का एक एल हट जाता है, बट यहां पर क्या रूल है कि अगर कोई भी स्पेलिंग है जिसके एंड में डबल एल आ रहा है, उसमें आप कोई भी सफिक्स ऐड करेंगे. अगर कोई स्पेलिंग डबल एल से एंड होती है, जैसे ये स्किल ऑल है ना, ये जैसे कोई भी स्पेलिंग है जो डबल एल से एंड होती है, अगर उसमें कोई भी सफिक्स जोड़ा जाता है, फुल, माइटी, मोस्ट, कोई भी सफिक्स ऐड किया जाए, तो उस शब्द का ये जो वर्ड है इसका जो डबल एल है उसमें से एक एल हट जाता है. जैसे स्किल्स में से, जैसे स्किल में हमने फुल ऐड किया, तो स्किल का एक एल भी हट गया, और फुल वाला रूल तो हमने सीखा ही था, तो ये हो गया स्किलफुल. ऑल में अगर हमने माइटी ऐड किया तो यहां पर डबल एल का एक एल हट गया. ऑल में हमने मोस्ट ऐड किया तो एक एल हट गया. ऑलरेडी में एक एल हट गया. वेलकम में एक एल हट गया. बहुत सारे लोग वेलकम को डबल एल लिखते हैं, विच इज रॉन्ग. क्योंकि किसी भी वर्ड में कोई भी सफिक्स ऐड करने पर उस वर्ड में से डबल एल का एक एल हट जाता है. सो दिस रूल इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बट इनमें मिस्टेक्स होती हैं, तो इनको आपको जानना चाहिए. नेक्स्ट रूल देखते हैं, टी कहा. अब देखो कई सारे स्पेलिंग्स में ना टी का प्रोनंसिएशन ट होता है, कई में टी को श के जैसे भी यूज किया जाता है, और कई स्पेलिंग्स में टी का यूज च के जैसे होता है. तो कौन सी स्पेलिंग में टी ट के जैसे पढ़ा जाता है, कौन सी स्पेलिंग में टी च के जैसे पढ़ा जाता है, और कौन सी स्पेलिंग्स में टी श के जैसे पढ़ा जाता है, वो देखते हैं. तो जो टी का जो रेगुलर प्रोनंसिएशन होता है, रेगुलर जो साउंड होता है, वो होता है ट. आपको पता है ट्रू, टेल, टोडलर, टोन, टाइम, ट्रेवल, इनमें टी को ट के जैसे ही पढ़ा गया है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल 90% या सपोज मान लो 80% स्पेलिंग्स में टी को ट के जैसे ही पढ़ा जाता है. बट अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में टी आई ओ एन आता है, टी आई ओ यू एस आता है, टी आई ए एल आता है, या टी आई ई एन टी आता है, इस सेट ऑफ वर्ड्स के साथ अगर टी आता है, तो इन स्पेलिंग्स में टी को श के जैसे पढ़ा जाता है. टी आई ओ एन को पढ़ा जाता है शन, टी आई ओ यू एस को पढ़ा जाता है शस, ये टी आई ए एल शेल, शेंट, पेशेंट अगर आपको लिखना होता है तो इसके बाद में देखना आप, ये स्पेलिंग लगी होती है ये पी ए टी आई ई एन टी, तो इसको हम पेशेंट पढ़ते हैं, पेटेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि यहां पर जो टी है वो कौन से सेट ऑफ वर्ड्स के साथ आ रहा है, जो टी है ये ई आई एन टी के साथ आ रहा है, तो ये पेशेंट हो गया. कॉशन, टी ए यू सी ए यू टी आई ओ एन, शन, कॉशन, कॉशियस, पार्शियल, कोशेंट, नेशन, न्यूट्रिशियस, मार्शल. तो ये आपको याद कर लेना पड़ेगा कि टी आई ओ एन होता है शन. जैसे अगर आपको नेशन लिखना है तो आप एन ए टी आई ओ एन लिखोगे, अगर आपको मोशन लिखना है तो आप एम ओ टी आई ओ एन लिखोगे, क्योंकि आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि टी आई ओ एन शन होता है. वैसे ही शियस, टी आई ओ यू एस शियस होता है, या ये शेल होता है. जैसे अगर आपको पार्शियल लिखना हो तो आप पी ए आर तो लिख लोगे, फिर शेल आपको पता है टी आई ए एल होता है, तो ये पार्शियल हो जाएगा. तो ये सेट ऑफ वर्ड्स अगर किन्हीं के एंड में आता है, किन वर्ड्स के एंड में, तो वहां पर टी श के जैसे पढ़ा जाता है. नेक्स्ट, जब किसी स्पेलिंग के एंड में ये टी यू आर ई आता है, टी यू आर वाई, या एस टी आई ओ एन, या टी यू ए एल जैसे सफिक्स आते हैं, तो वहां पर टी को च के जैसे पढ़ा जाता है. जैसे आप एक्चुअल कैसे लिखते हो,
आप एक्चुअल कैसे लिखते हो? ए सी टी यू ए एल, तो टी यू ए एल को हम चुअल पढ़ते हैं, चुअल, एक्चुअल। तो यहाँ पर टी को चर के जैसे पढ़ा गया, तो ये आपको याद कर लेना पड़ेगा कि ये चर है। नेचर कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एन ए टी यू आर ई, चर, नेचर। तो टी यू आर ई चर होता है, टी यू आर ई चरी होता है, जैसे क्या होता है, चरी, सेंचुरी, है ना, सेंचुरी। ये एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन आप कैसे लिखते हो? क्यू यू एस टी आई ओ एन, तो ये स्टन पढ़ते हैं ना उसको, स्टन, क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, है ना, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर ये एस टी आई ओ एन के फॉर्म में आ रहा है, ये सेट ऑफ वर्ड्स आ रहा है, तो टी को यहाँ पर च के जैसे पढ़ा जाता है। ओके तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या लिखे हुए हैं। जब किसी स्पेलिंग के एंड में ये सारे सफिक्स आते हैं तो वहां टी का प्रोनाउंसिएशन च होता है, जैसे एक्चुअल, कैप्चर, नेचर, पिक्चर, क्वेश्चन, डाइजेस्टन। यहाँ पर देखो ई एस टी आई ओ एन, डाइजेस्टन, म्यूचुअल, सजेस्टन, मॉइस्चर, फर्नीचर, टी आर ई चर, फर्नीचर, सेंचुरी, नर्चर। सो अभी तक हमने चार रूल सीख लिए हैं, आई गेस अभी तक का लेसन आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं लास्ट और फिफ्थ रूल आज का। तो लास्ट रूल क्या है कि किस स्पेलिंग में सी को स के जैसे पढ़ा जाता है और किस स्पेलिंग में सी को क के जैसे पढ़ा जाता है। आई थिंक ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, जब भी किसी स्पेलिंग में सी के बाद ई, आई या फिर वाई आता है, कोई भी स्पेलिंग हमने लिखी, वहां पर सी के बाद अगर ई, आई या वाई आता है, तो वहां सी का प्रोनंसिएशन ज्यादातर स के जैसे होता है। याद रखिएगा, कोई भी स्पेलिंग में मोस्टली ज्यादातर जैसे आप वर्ड सीखोगे, जानोगे ही किसी भी रूल में, क्योंकि कोई भी रूल परफेक्ट नहीं है। अगर मैं ये बोल रही हूं, मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था कि हम इसको सिटी पढ़ते हैं, सिटी, क्यों? क्योंकि सी के बाद ई, आई या वाई में से एक लेटर आया हुआ है, तो यहां पर हमने सी को स के जैसे पढ़ा, सिटी। कट क्या था, ये हमने ये एक लिखा था ना, कट, सी यू टी, कट, तो इसको क इसीलिए पढ़ रहे थे सी को, क्योंकि इसके बाद ई, आई और वाई के अलावा कोई दूसरा लेटर आया था। तो बहुत सिंपल रूल है, किसी भी स्पेलिंग में सी के बाद ई, आई, वाई आता है तो वो सी को स ही बनाता है। तो बैलेंस, बैलेंस, गैलेंस, ग्लैंस, सर्टेन, सिटीजन, डिसीव, यहाँ पर स इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ई या आई इन्हीं में से आ रहा है कोई ना कोई लेटर। सिटी, पॉलिसी, ई आई वाई में से ही है, एडवाइस या साइकिल, ई आई वाई, साइकिल। और अगर सी के अलावा कोई लेटर आता है तो वहाँ पर सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी के अलावा अगर कोई भी लेटर आएगा तो उसको हम क के जैसे पढ़ेंगे, जैसे कार, कट, क्लियर, टॉपिक, फैक्ट, प्लास्टिक, कॉमन, क्यूरियस, कनेक्ट, कनेक्ट, क इसलिए पढ़ा क्योंकि ई आई वाई नहीं है, कॉमन इसीलिए पढ़ा क, ई आई वाई नहीं है, ई आई वाई नहीं है तो क्यूरियस हो गया, ई आई वाई नहीं है तो फैक्ट हो गया। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को सही पढ़ेंगे, और अगर सी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी लेटर आता है तो उसको क पढ़ेंगे। अगेन हर रूल की तरह इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ओके, सो सी का प्रोनंसिएशन स और क होता है, बट कई स्पेलिंग्स में सी को श के जैसे भी पढ़ा जाता है। अगर किसी स्पेलिंग का जो एंड है वो सी आई ए एन, सी आई ए एल, सी आई ओ यू एस या सी आई ई एन टी जैसे सफिक्स से होता है, तो वहां ई का जो प्रोनंसिएशन होता है वो श के जैसे होता है, जैसे प्रेशियस। तो यहाँ पर सी कौन से सेट ऑफ वर्ड के साथ आ रहा है, आई ओ यू एस, फे आई ए एल, स्पे आई ए एल, तो यहाँ पर ये सर को शेल पढ़ा जाएगा, स्पेशल, फेशियल, है ना, प्रोफिशियंट, बेनिफिशियल, ओशिन। तो अगर ये सफिक्स आते हैं किसी भी वर्ड के एंड में तो उनको हम, तो हाँ हम सी को श के जैसे पढ़ते हैं। ओके तो ये आज के फाइव रूल्स, आई गेस आपको समझ में आ गए। पहला रूल जो हमने देखा था वो ये था कि किसी भी स्पेलिंग में सी आई या आई ई कहाँ आता है। दूसरा रूल हमने देखा था कि किसी भी स्पेलिंग में फुल को ऐड करने पर फुल का एक एल गायब हो जाता है।
थर्ड रूल जो था वो हमारा ये था कि किसी भी स्पेलिंग का जो एंड है अगर डबल एल से होता है तो उसमें कोई भी सफिक्स ऐड करने पर वो एल हट जाता है। हमारा जो इसके बाद के पहले का जो रूल था वो ये था कि टी कहाँ ट च और कहाँ श के जैसे पढ़ा जाता है, और फिफ्थ रूल था कि सी कहाँ पर स के जैसे और कहाँ पर क के जैसे पढ़ा जाता है, और कई स्पेलिंग्स में हम उसे श भी पढ़ते हैं। तो आई गेस आज का स्पेलिंग रूल का लेसन आपको पसंद आया। इस लेसन से आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही सीखा। अगर ये रूल्स अगर आप अपने दिमाग में बैठा देते हैं तो ये रूल आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, और आप ऐसी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको करने से बच सकते हैं। स्पेलिंग को सीखने का तरीका यही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है जो आपको सिखाया जाएगा और आप स्पेलिंग के मास्टर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पेलिंग को ऐसे ही सीखा जाता है, और सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, जब भी आप कुछ लिखते हैं, तो स्पेलिंग पर गौर करते जाइए, वहां पर देखिए कि कहाँ क्या आ रहा है, तभी आप स्पेलिंग्स में परफेक्ट हो पाएंगे, और थोड़े थोड़े रूल्स में से जो आप छोटी मिस्टेक्स हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यही तरीका है। आगे मैं स्पेलिंग रूल्स के ऊपर और वीडियोस लाते रहूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि वो वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं, और आप वीडियो अगर ये आपको पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है, कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं, तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आई रीड योर कमेंट्स। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके जाइएगा। On that note, I'm signing off. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। See you the next video. Bye bye. Thanks for watching.